नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के युवा वोटर्स को साधने के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। संवाद के बहाने युवा वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस अपने प्लान पर लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने सरगुजा संभाग के युवा वोटर्स से संवाद किया, लेकिन युवा संवाद को लेकर बीजेपी ने सियासी सवाल भी दाग दिए हैं। बात आज इसी पर करेंगे, चर्चा आज इसी पर होगी। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। संवाद पर सवाल है, युवा वोटर्स पर सियासत लाल है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की साख युवाओं में मजबूत करने के मकसद से सीएम भूपेश बघेल ने युवा संवाद की डोर थाम रखी है, लेकिन युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस के प्लान पर सियासी शोर भी खूब सुनाई दे रहा है। इस कड़ी में मंगलवार को सीएम ने सरगुजा संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल का दावा है कि सरकार ने अच्छा काम किया है और सूबे के युवा सरकार के कामकाज से खुश हैं। जितने जल्दी जाकर उनसे मिलूं, क्योंकि युवाओं से मिलने में बड़ी खुशी मिलती है और ऊर्जावान है और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सपना देखते हैं वो सब अपनी बात रखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़े उनके अपने सपने हैं, अपने दृष्टिकोण हैं और हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार जो काम कर रही है उससे काफ़ी लोग संतुष्ट भी हैं और जो चाहते हैं वो अपनी बात करते हैं। जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री जी युवाओं से संवाद कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनके भविष्य और उनके सपनों को लेकर कहीं ना कहीं राह प्रशस्त करने की बात कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में हंगामा करे, बखेड़ा खड़ा करे, कानून को हाथ में लेने का काम करे, तो कानून तो अपने तरीके से काम करेगा। उधर अंबिकापुर में सीएम के युवा संवाद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। बीजेपी लगातार सीएम भूपेश बघेल के युवा संवाद पर हमलावर है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने सीएम के सामने सवालों की पूरी लिस्ट रख दी। उन्होंने पूछा कि रोजगार और पीएससी भर्ती प्रक्रिया में माफिया राज क्यों है, सरकारी भर्ती प्रक्रिया का क्यों विध्वंस किया गया। बीजेपी ने सरकार पर बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को ठगने के भी आरोप लगाए। उधर आम आदमी पार्टी भी युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। मुख्यमंत्री जी युवा संवाद कर रहे हैं, सरगुजा पूछता है मुख्यमंत्री जी से कि ताता पानी कहां पर है, उनको भी शायद पता होगा और सरगुजा और छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे को पता है कि ताता पानी बलरामपुर जिले में है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में पीएससी कहती है कि तातापुर तो सूरजपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ का और सरगुजा का युवा पूछता है कि 2500 रुपया 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात उन्होंने कही थी, उसके हिसाब से 5 साल में 15,000 करोड़ बांटना था, लेकिन बजट का प्रावधान किया है मात्र 250 करोड़ का, ये कैसा नाइंसाफी है। देखिए, चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अभी प्रदेश के अलग अलग जगह में जा रहे हैं और युवाओं से बात कर रहे हैं, अभी युवा लोग समझ गए हैं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि इन्होंने जितने भी वादे किए सब के सब केवल इनके जो धोखा पत्र है उस वहीं तक सीमित रह गया। इनका घोषणा पत्र होता नहीं, धोखा पत्र होता है। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नजर यूथ वोट बैंक पर है। लगभग 46 लाख ऐसे यूथ वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। युवा मतदाता प्रदेश में किसी भी पार्टी की जीत और हार का गणित बदल सकते हैं, इसीलिए दोनों पार्टियां यूथ पर फोकस कर रही हैं। कांग्रेस बेरोजगारी भत्ता और बंपर भर्तियां निकालकर रोजगार मुहैया कराने का दावा कर रही है। युवा संवाद के जरिए सीएम भूपेश बघेल सियासी माहौल को नई हवा देने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस की इस चुनावी चाल को काटने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रायपुर। तो संवाद पर सवाल है और युवा पर सियासत लाल है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद खान जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के। जावेद खान जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से हैं बीजेपी नेता सुशांत शुक्ला जी। सुशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सुशांत जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे
लगातार सीएम भूपेश बघेल युवाओं से संवाद कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं और कहा जाता है कि इस संवाद में युवाओं की समस्याओं का समाधान भी ऑन द स्पॉट हो जाता है। सुशांत जी, भूपेश बघेल जी जिनको छत्तीसगढ़ के लोग अब काका ठगेश करने लगे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में जो अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित अपनी सरकार कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में चलाई है, उससे युवा ठगा गया है छत्तीसगढ़ में। चाहे वो बेरोजगारी 10 लाख बेरोजगार युवाओं को 2,250 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे पीएससी और व्यापम जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में व्यापक घोटाले की बात हो, चाहे वो जन घोषणा पत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में युवा छात्राओं के लिए मुक्त परिवहन की बात हो, और चाहे वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ जुड़े हुए युवाओं के भविष्य पर भविष्य गढ़ने की बात हो, हर क्षेत्र में युवा ठगा गया है इस सरकार के माध्यम से। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि युवा गुंगा बहरा नहीं है छत्तीसगढ़ का, युवा गुंगा ही युवा वायु के रूप में इस छत्तीसगढ़ में इस सरकार को उखाड़ फेंकने की परिवर्तन की संक्रांत के साथ इस सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुका है। अब आपकी घटना आज आपको बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में सरगुजा अंचल में इन्होंने एक फिर से स्टेट मुलाकात तय कार्यक्रम किया जिसका सिलेबस तय है, जिसके सरगुजा क्षेत्र में एक महाविद्यालय में बकायदा शिक्षकों ने छात्रों को प्रश्न क्या पूछना है और कैसे पूछना है इसका प्रशिक्षण देते हुए वीडियो वायरल हुआ। कुछ दिनों पहले इसी स्टेट मुलाकात के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कौन क्या प्रश्न पूछेगा इसका शासकीय दस्तावेज सार्वजनिक हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी में साहस है, अगर कांग्रेस की युवा टीम में साहस है, तो यूथ कांग्रेस और NSUI संयुक्त रूप से मिलकर एक ऐसा ही भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपने मुखिया भूपेश बघेल के लिए करा के दिखाए, क्योंकि ये तयशुदा कार्यक्रम है और युवाओं को दिशा भ्रम में रखकर फिर ठगने की व्यवस्था इनके काका ठगेश ने कर रखी है, इसलिए व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही। चलिए ठीक है, सुशांत जी दोबारा लौटूंगा, सुशांत जी दोबारा आपके पास लौटूंगा। जावेद जी क्या कुछ कहेंगे, सुशांत जी की बात को आप सुन रहे थे, युवाओं को ठगने का काम किया है सरकार ने, बीजेपी ऐसा कहती है। नमस्कार सुमित जी, आपको आपके सभी दर्शकों को। मैंने बहुत ध्यान से सुशांत जी की बात को मैं सुन रहा और इसमें सिर्फ हताशा निराशा के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। सुशांत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगा है। अगर बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम करना ठगना है तो बिल्कुल हमने ठगा है। अगर हमने वादा किया 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य तो हमने दिया है तो बिल्कुल हमने ठगा है। आप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए, 2003 में जब रमन सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, जिसे इन लोग संकल्प पत्र कहते हैं, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें जो संकल्प होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। हाथ में पानी लेकर के संकल्प लिया जाता है, उस तरह का संकल्प पत्र इन्होंने जारी किया था। और पहले ही कार्यकाल में इन्होंने कहा था कि 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता पूरे 15 साल नहीं दिया। आज हम एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय भूपेश बघेल जी ने उसी समय तय कर दिया कि पहला कार्यकाल हमारा किसानों को लेकर के होगा, ग्राम स्वराज को लेकर होगा, ग्रामीण परिवेश को लेकर के होगा। और इस 5 साल में हमने ग्रामीण परिवेश को इतना मजबूत किया है कि आज ग्रामीण परिवेश से शहरी क्षेत्र भी मजबूत है, छत्तीसगढ़ का व्यापार मजबूत है, छत्तीसगढ़ का कृषक मजबूत है। अब जब हम दूसरे कार्यकाल की ओर जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी स्वयं भेंट मुलाकात करके युवाओं से जानना चाहते हैं कि वो अपने प्रदेश के लिए क्या चाहते हैं। जावेद जी कहीं ना कहीं सवाल आपकी टाइमिंग पर भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव के समय ही युवाओं की याद आखिर क्यों आ रही है? कैसे चुनाव के समय युवाओं की याद आ रही है आप बताइए। हमने छत्तीसगढ़ में लगातार जब से प्रदेश में सरकार बनी हम बेरोजगारी दूर करने का कार्य किए। इनके समय में आउटसोर्सिंग होती थी, पलायन करके छत्तीसगढ़ से बस्तर के युवा जाते थे। आज पलायन खत्म हो गया है, आउटसोर्सिंग खत्म हो गई है। हमने बेरोजगारी भत्ता की बात करी तो हमने 1,22,625 हितग्राहियों को अब तक 122,43,30,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिए। ये 15 साल में कितना बेरोजगारी भत्ता दिया ये बताएं। आज हमारे पास विजन है कि युवाओं के लिए हमको क्या करना है,
हम युवाओं से सुन रहे हैं और भर भर के युवा आ रहे हैं युवा सम्मेलन में, वो भीड़ इनसे पच नहीं रही है, इसी वजह से तो आज ये सरगुजा। ठीक है, चलिए जावेद जी दोबारा लौटूंगा, जावेद जी दोबारा आपके पास लौटता हूँ। सुशांत जी मेरा एक सवाल आपसे हो, ओपी चौधरी कह रहे हैं कि रोजगार और पीएससी भर्ती में माफिया राज है, ऐसा क्यों? तो मैं जानना चाहूंगा कि किस आधार पर ओपी चौधरी या किस आधार पर बीजेपी ये बात कहती है। सुशांत जी, जब सत्ता पे आती है तब तक शैक्षणिक स्तर उस प्रदेश का गिरता जाता है, चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो। जब माननीय ओपी चौधरी जी इस बात पर कहते हैं कि पीएससी में व्यापक घोटाला है, तो वो तथ्यों के आधार पर कहते हैं कि जब अभी वर्तमान इनके जो पीएससी के अध्यक्ष हैं सोनवानी जी, उनके बच्चे का नाम का सरनेम जब छिपा कर रिजल्ट जारी किया जाता है तब शंका होती है। तब शंका होती है जब 8-8 बार के अटेम्प्ट किए हुए लोग किसी एक कठिन सब्जेक्ट में उस नंबर के औसत रंक से ऊपर आते हैं, तब समझो शक होता है कि व्यापक घोटाला हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक चुनौती को स्वीकार करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे साथी मित्र बहुत स्तुति वंदना कर रहे थे कि हमारे पास मिशन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने बेरोजगारी दर की बात कही, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इनके विधानसभा में। अच्छा सुशांत जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने कहा तथ्यों के आधार पर ओपी चौधरी ये बातें कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि तथ्य सामने रखिए, कोर्ट में जाइए, लड़ाई लड़िए, ऐसा क्यों नहीं होता फिर? देखिए न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है और जो परीक्षार्थीगण है वो माननीय न्यायालय के समक्ष जा चुके हैं और तथ्यों के साथ गए, आने वाले समय में माननीय न्यायालय इस पर न्याय दृष्टांत देगा। परंतु जब आपके चैनल पर मैं बैठा हूं और इनके प्रश्नों का जवाब देना मेरे लिए आधिकारिक तौर पर व्यवस्था बनती है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ एक बेरोजगारी दर को 0.01% की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं इनके मंत्री विधानसभा के पटल पर कि 18,67,000 बेरोजगारी इस प्रदेश में है, और तब ये बात करते हैं बेरोजगारी भत्ते की जब भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतरती है। ठीक है, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुशांत जी लौटूंगा दोबारा, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जावेद जी कहिए। देखिए यही तो कला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों के अंदर में कूट कूट करके भरी हुई। जब हमारे मंत्री जावेद जी कहते हैं आपके मंत्री ने आपको विधानसभा के पटल पर रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराए आसपास के बेरोजगार कार्यालय भैया 0.01% कैसे हो गया ये बताइए। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात आपने कही और दूसरे दिन विधानसभा में जब प्रश्न पूछा गया तो दूसरे दिन भूपेश का भरोसा है पहले उसका क्या सुशांत जी मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास लौटूंगा। आप दोनों अगर ऐसे ही एक साथ बोलते रहेंगे तो किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी। सुशांत जी प्लीज, विनम्रता से निवेदन है, मैं आपके पास सुशांत जी लौटूंगा, प्लीज सुशांत जी प्लीज। चलिए जावेद जी कहिए। प्रवक्ता सुन नहीं पा रहे हैं, इतना उनके अंदर धैर्य नहीं है, इसी से आप उनकी बौखलाहट समझ सकते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री सबसे मिल रहे हैं। अरे सुशांत जी वो जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो, आप सुनिए तो, सुशांत जी वो जवाब दे तो रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप अपना मुख्यमंत्री का जो 3 बार का घिसा पिटा चेहरा है उसी को आगे कर लीजिए और एक युवा संवाद करा के देख लीजिए, कितने युवा रमन सिंह जी को सुनने आते हैं पता चल जाएगा। टैबलेट मोबाइल फोन हाथ में थमा करके बेवकूफ बनाया 15 साल छत्तीसगढ़ के युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से, उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर अन्य राज्यों से लोगों को यहाँ पर ला करके रोजगार दिलाया और छत्तीसगढ़ के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में आज दर्द हो रहा है। कारण यह है क्योंकि छत्तीसगढ़ का युवा आज खुशहाल है, छत्तीसगढ़ का युवा इनकी दंगाई सोच में नहीं आ रहा है, छत्तीसगढ़ का युवा इनके सांप्रदायिक सोच में नहीं आ रहा है, छत्तीसगढ़ का युवा आगे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ का युवा पढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ का युवा रोजगार कर रहा है, छत्तीसगढ़। ठीक है जावेद, जिस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या ओपी चौधरी जी के बयान पर कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि रोजगार और पीएससी में माफिया राज है। देखिए ओपी चौधरी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि उनके लिए भी हमारी तरफ से बेरोजगारी भत्ता है
उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से बेरोजगार बना दिया। लेकिन जावेद जी युवा तो कह रहे हैं कि हमें बेरोजगारी भत्ता मत दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। बिल्कुल, बेरोजगारी भत्ता के साथ में आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। ठीक है, हम आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जावेद जी दोबारा लौटाऊंगा, दोबारा लौटूंगा। सुशांत जी, जी आपकी बारी, कहिए सुशांत जी क्या कहना चाह रहे हैं। सुशांत जी कहिए, कहिए। जावेद क्या गलती कर जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं है। एक तरफ वो रोजगार दर की बात करते हैं, बेरोजगारी दर की, और दूसरे तरफ बेरोजगारी भत्ते देने की घोषणा का अपनी विषय पर आते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है या उस दर ज्यादा होने के कारण इन्होंने बेरोजगारी भत्ता जारी किया है? इनका एक जवाब अब मेरे तरफ से आप इनसे ले लें, पहला विषय। दूसरा, पीएससी और व्यापम में व्यापक जो माफिया राज है इस सरकार के सरकारी संरक्षण में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में अपराधी और अपराध को संरक्षण देने वाली दो संस्थाएं किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में चल रही है, वो संस्थाएं हैं यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई। पूरे प्रदेश में उठाइए आप, अपराधियों के संरक्षण स्थली के रूप में जानी जाती है यूथ कांग्रेस, और उसको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था यूथ कांग्रेस किसी को देती है तो एनएसयूआई से। आज सुशांत जी ऐसी कुछ आरोप लग रहे हैं कि बजरंग दल आरएसएस पर ऐसी आरोप लगते हैं, कार्यों में संलिप्त है। मैं आपको चुनौती के साथ स्वीकार करता हूँ, बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है। मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, तो यूथ कांग्रेस कांग्रेस के संगठन है, और आपके बयान से युवा छोटी है कि इनके लोग अपराधी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है, बीजेपी क्या भरोसा दे रही है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बीजेपी क्या भरोसा दे रही है छत्तीसगढ़ के युवाओं को? सुशांत जी, छत्तीसगढ़ अपनी तरुणाई पर है, हमने राज्य बनाया था, हम ही आगे बढ़ाएंगे। हम युवाओं से आह्वान करते हैं, परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है, इस परिवर्तन के महायज्ञ में अपनी पूर्णाहुति दीजिए, और इस भ्रष्टाचारी लुटेरी कांग्रेस के भूपेश बघेल के नेतृत्व को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करता हूं आपके माध्यम से। ठीक है, ठीक है, चलिए जावेद जी आखिरी कमेंट आपका। जावेद जी देखिए, आखिरी कमेंट ये कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ हमने बनाया था, हमें वोट दीजिए, तो हम भी इनको कह देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को कह देते हैं, देश हमने बनाया था, देश को स्वतंत्र हमने कराया था, 70 साल आगे लेकर के गए, आगे भी हम ही लेकर के जाएंगे, इनके बस की बात नहीं है। देश को ये डुबा चुके, 15 साल छत्तीसगढ़ को डुबा चुके, अभी आप इनसे पूछे विजन क्या है, इनके ये पता नहीं पाया इनका विजन क्या है, कि ये 15 साल बिना विजन के काम किए हैं, ये छत्तीसगढ़ को और बर्बाद करने का कार्य किए हैं। आज छत्तीसगढ़ में चहुंमुखी विकास हो रहा है। चलिए चलिए, किसी भी चुनाव में युवा पावर को हम जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है, युवा शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए जब युवाओं की बात आती है तो पार्टियां उन्हें साधने की कोशिश करती हैं। जावेद जी बहुत धन्यवाद आपका, और सुशांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, नमस्कार।